हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। IGS इंजीनियर चैलेंज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ख़ासकर फ्रेशर के लिए। ठीक है, पूरा वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको ज़रूर से ज़रूर 100% समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, कर लीजिए। ये देखिए, जैसे हमारे पास ये ड्राइंग है, ठीक है, ये हमारा 6 लेन का प्रोजेक्ट है। ये देखें, हम अपना फिक्स पियर का LP 26 का ये बना रहे हैं, पाइल कैप BBS। ठीक है, तो सबसे पहले BBS बनाने से आप पहले अपना नोट्स ज़रूर केयरफुली पढ़ लें। मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है BBS के लिए। तो नोट्स ये हमारा सारा mm में मेंशन है, पाइल में M30 और हमारा कवर पाइल कैप में 75 mm दिया गया है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये कैसे इसका BBS बनेगा। ठीक है, यह हमारा पाइल का BBS वो है, रेनफोर्समेंट डिटेल। ये देखिए, आ गया हमारा शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो मैं पाइल कैप का BBS बता रहा हूँ कि कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पाइल कैप 1800 थिकनेस का है। ठीक है, जो आप ये देख लीजिए 1800 थिकनेस है और 5100 लेंथ और विड्थ। ये हमारा 500 की लैपिंग आएगी वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। ठीक है, आएगी सबसे पहले आप अपना एक्सेल ऑन कर लीजिए। ये देखिए, मैंने एक्सेल का फॉर्मेट बना के रखा है। आप अगर ऐसा फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। और आप कोई भी BBS अगर आपको जानना है एकदम जीरो से स्टार्टिंग से, तो आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें उसका BBS बनाना है। मैं पूरा आपको अच्छे से समझा के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये मैंने फॉर्मेट इजीली बनाया है। ठीक है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे भी दूँगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, मेरा ड्राइंग देखिए, पहले ये ड्राइंग खुल गया मैंने, जैसे इसमें कौन कौन सा स्टील यूज हो रहा है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए, जूम करता हूँ, C1 C3 C1 हमारा क्या है, टॉप का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार क्या हो गया हमारा C3। ठीक है, राइट में हमारा C5 हमारा ये है, बाइंडर है। ठीक है, और इसके नीचे हमारा कौन सा स्टील है, C2 और C4। सबसे पहले हम ट्रैफिक डायरेक्शन में अपना कौन सा स्टील डालेंगे, C4। ठीक है, अब इसमें हम कटिंग लेंथ 1800 का ये थिकनेस है और लेंथ और विड्थ 5100 है। ठीक है, ये पाइल का। और 2 मीटर का हमारा पियर शाफ्ट है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे इसका BBS बनाएंगे। ठीक है, अब ये सबसे पहले आप इस साइड में आ जाइए, C1 हमारा क्या है, C1 हमारा देखिए 16 mm का है, जो हमारा टॉप में यूज होगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये देखिए स्टेप टॉप में, इसका कोई भी ये ट्रैफिक डायरेक्शन में, ये हमारा सेक्शन है ट्रैफिक डायरेक्शन में, हमारा देखिए ये C11 है। इसमें हमारी 500 की लैपिंग आएगी, 1800 का हमारा पाइल कैप। तो आप सबसे पहले अपना ये रेनफोर्समेंट डिटेल ऑन देख लीजिए, C1 16 mm का 165 की स्पेसिंग है। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ, अपना एक्सेल ऑन कर लीजिए। अब ये लिए मैंने पुराना बना के रखा है, तो इसमें 16 का है, बार्क मार्क हमारा क्या था, C1। ठीक है, तो इसको C1 आप कर दीजिए। इसमें 2 हमारा बेंड आ रहा है। ठीक है, अब हमारा देखिए, ये तो पुराना है, इसमें 12 100 कितना हमारा लिखा है, 12 126। इसमें लेकिन हमारा 12 126 नहीं है, लेंथ हमारा 5100 है। अब 5100 में 75 75 हमारा क्या आएगा, कवर, और साइड का हमारा क्या है, 12 mm का बाइंडर। तो हमारा कितना आएगा, 5100 माइनस 150 75 75 बोथ साइड कवर एंड 49 50 आ गया,
ठीक है, हमारा 12x24 mm क्या बाइंडर, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 49x26। तो यहाँ पे हम दोस्त लिखेंगे 49x26। अब ये 12x75 हमारा एल, एल हमारा कितना आएगा 1800 का, हमारा 1800 का हमारा कैप है, ठीक है, ये 1800 का हमारा है कैप। अब 1800 में हमारा 500 की ये देखिए लैपिंग आ रही है, ठीक है। अब लैप के लिए हमारा, मैं फिर बता रहा हूँ, एक सलाह ना कीजिए, ये कितना आएगा 100 माइनस 150 इक्वल टू 1650, जिसका हम डिवाइड कर देंगे 825, और हमारा 500 का लैपिंग आ जाएगा, तो उसमें हम कितना जोड़ देंगे 250, 250 दोनों लेंथ का बढ़ा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1075, ठीक है, 1075, ये भी हो जाएगा सेम 1075, ये हो गया, ठीक है। बेंड करेक्शन हमारा 2 है, तो 16x32, 32x64 mm, ठीक है। कटिंग लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, ये सारा हमारा ऐड कर दीजिए, तो हमारा सारा ऐड करने के बाद कितनी आएगी कटिंग लेंथ, 1075 इंटू 2 प्लस 49x26, ठीक है, -64 -64, हमारा कितना कटिंग लेंथ आ रहा है 7012, ठीक है। स्पेसिंग हमारा कितना दे रखा था 165 mm, ठीक है दोस्तों, 165 mm, तो इसमें हम 165, 165, ठीक है, आ गया हमारा 31 पीस आएगा, ठीक है। C2 ये हमारा 32 का है, ठीक है, अब 32 का है तो इसमें कुछ नहीं करना, आप सिंपली कटिंग लेंथ हमारा दोनों का वही रहेगा, इसमें हम कर देंगे 32, ठीक है, इसमें हमारा C2 है शायद, इसको C2 मेंशन करते हैं, C2 है, ठीक है, ये हमारा 12 mark है, तो ये C2 हमारा हो गया, 2 ये आ गया, इसमें हमारा 32x64, 64x128, ठीक है। तो इसकी कटिंग लेंथ कितनी आएगी, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे मैंने 64 घटाया था, ठीक है, अब यहाँ पे और 64 मेरा और माइनस जाएगा, क्योंकि 64 मैंने पहले घटाया था, आएगा 69 48, ठीक है। और स्पेसिंग हमारा सेम है, कितना 165, ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया। अब हमारा आ जाइए पाइल कैप या टॉप का हो गया, अब आ जाइए पाइल कैप बॉटम मेन बार, मेन बार हमारा कौन सा है, ड्राइंग देखिए, मेन बार मैंने बताया था 16 को C4, ठीक है, जो ट्रैफिक डायरेक्शन में है, वो कहाँ है मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए C4 ट्रैफिक डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन बार है, ठीक है दोस्त, जो हमारा C4, ठीक C4। अब इसमें आ जाइए, इसमें हमारा लिखिए C4,
C4, ठीक है, इसमें भी उतना ही आएगा, इसमें भी बेंड आएगा 128, 128, ठीक है। कटिंग लेंथ हमारा उतना ही आएगा 6948, 6948, ठीक है। और इसमें स्पेसिंग हमारी कितनी है, स्पेसिंग का हमें इसमें कुछ चेंजिंग है बताता हूँ, 140 mm, ठीक है, बॉटम में हमारा 140 mm का स्पेसिंग दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 140, ठीक है, हमारा आ जाएगा 36 पीस। फिर हमारा C3, इसमें हमारा आ जाएगा C3, ये हमारा 32 का नहीं है, यह हमारा कौन सा है, जो हमारा इसमें 16 का ही है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, C3 यहाँ पे हम करेंगे 16 mm का हमारा स्टील है, यहाँ पे हमारा 64 mm बेंड डायरेक्शन आएगा, और कटिंग लेंथ हमारा कितना आएगा 7012, ठीक है। और ये हमारा 140 की स्पेसिंग, ठीक है दोस्त, ये भी हमारा 36 पीस हो गया। 4 C5 हमारा, C5 हमारा क्या है, साइड का बाइंडर, जो हम यहाँ दिखाते हैं आपको, ये है, ठीक है, इसमें हमारा 4 टाइप का स्टील है, C1 C2 C3 C4 एंड C5, ठीक है, ठीक है दोस्त, तो मैं C5 करता हूँ। C5 हमें क्या करना है, अपना नाम कीजिए, और ये C5 हमारा, C5 में हम साइड का बाइंडर जो है, यहाँ हम C5 लिखेंगे, C5 12 का है, और इसमें हमारा 4 आएगा बेंडेड एक्शन, ठीक है, दोनों साइड का मैंने कर रखा है, तो 12 दुना 24, 24 दुना 48 और 48 दुना 96 mm, ठीक है। अब कटिंग लेंथ हमारी कितनी आएगी, अब देखिए 49-50 कैसे आएगा, क्योंकि हमारा 51-5100 का है, 5100 में सीधा हम 150 दोनों साइड से कवर माइनस कर देंगे, तो आप सीधा देख लीजिए 5100 - 150, 49-50 है। अब ये 675 हमारा जो साइड का L है, ठीक है, तो L हमारा 675 नहीं आएगा और ज़्यादा आएगा। अब 49-50 हमारा हाफ आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा कितना आया, और हमारा यहाँ पे भी, ठीक है, तो अपना ड्राइंग ओपन कीजिए, लैप हमारा यहाँ पे भी 500 ही आ रहा है, कितना 500, ये देखिए लैप 500, ठीक है, C5 500, तो इसमें आप कुछ नहीं, सिंपली इसमें प्लस 250 27 25, ठीक है, तो आप अब ये देखिए हमारा 27 25 27 25 दोनों में सेम आएगा। अब हमारा ये कटिंग लेंथ कितना आएगा, कटिंग लेंथ के लिए हमें कुछ नहीं, सिंपली दोस्त एक साइड का, और ये हमारा 12 दुना 24 दुना 48 ही आएगा, ठीक है, उसको हम डबल कर देंगे 48, उनचास पचास प्लस 27 25 प्लस 27 25, 10 मीटर 400 माइनस 48, 10 मीटर 352, ठीक है, 10 मीटर 352, ठीक है। स्पेसिंग हमारी कितनी है, इसकी स्पेसिंग हम देख लेते हैं ड्राइंग में, डेढ़ सौ, ठीक है, तो 18, ठीक है दोस्त। अब हमारे यहाँ पाइल कैप लिंक बार,
जैसे लिंक बार इसमें भी दे रखा है ड्राइंग में, पांचों मैंने बता दिया S1 S1, ठीक है। एच पर S1 हमारा जो है वो है 8 mm का, ठीक है 8 mm, तो हम इसमें 8 mm हमारा ये होता है, 10D हमारा होता है इसका बैंड, ठीक है, तो 8 mm का हो गया हमारा। इसमें 2D आएगा, मतलब दो बैंड आएंगे, कितना आएगा 8 × 16, 16 × 32, ठीक है। कटिंग लेंथ हमारी कितनी आएगी इसकी, सीधा 1800 में से 150 आप माइनस कर दो, कितना 1800 माइनस 150 1650, ठीक है। ठीक है दोस्त, ये हमारा 1810 जिसमें से 160 इसमें आएगा 80, कितना 80, यानी कि हमारा 10D होता है, ठीक है 80, ये हमारा कुछ नहीं रहेगा और ये हमारा रहेगा 200, ये हमारा आएगा 236 जो आप निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पाइल कैप का हमारा BVS बन गया। अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सो धन्यवाद दोस्त।